नमस्कार दोस्तों, एसएस मार्केट न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे आपका फर्स्ट टारगेट कंप्लीट होता हुआ और आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी इंट्राडे के बेस पे यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, मैं उम्मीद करता हूँ। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में आपको 27,400 का फर्स्ट टारगेट दिया गया था और स्टॉप लॉस आपको 27,130 का स्टॉप लॉस दिया गया था, क्योंकि बैंक निफ्टी मुझे मैंने कल ही आपको अपडेट यहाँ दिया था। बैंक निफ्टी अब यहाँ से उछाल आने का अनुमान है कि यहाँ से अब बैंक निफ्टी में यहाँ पे उछाल अब आ सकता है, तो आप यहाँ पे अपनी खरीदारी कर सकते हैं लेकिन स्टॉप लॉस मेंटेन करके। तो यहाँ पे 3 दिन की गिरावट के बाद, 3 दिन जैसे आपको अपडेट दिया गया, 3 दिन में यहाँ पे गिरावट आपको दिख सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो जिस प्रकार मैंने आपको अपडेट दिया कि 27,754 को ब्रेक नहीं करता तो यहाँ पे गिरावट मिलेगी, 27,400 को ब्रेक करता तो फिर आपको गिरावट मिलेगी, और उसके बाद में फिर यहाँ पे लास्ट में आगे 27,150 को अगर होल्ड करता तो यहाँ पे आपको बाइंग की पोजीशन आपको दिख सकती है, तो यहाँ पे बाइंग की पोजीशन आपको दिखती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे बैंक निफ्टी में बिल्कुल खुश नहीं हूँ। हालांकि अपना इसने फर्स्ट टारगेट दिया है लेकिन मैं यहाँ पे खुश नहीं हूँ बैंक निफ्टी से। क्यों, ये आप भी यहाँ पे जान गए होंगे और यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे बैंक निफ्टी और अपना जो निफ्टी और जो सेंसेक्स होता है, तीनों साथ ही चलते हैं और साथ ही उतरते हैं, साथ ही चढ़ते हैं साथ ही उतरते हैं। लेकिन यहाँ पे आज क्या हुआ, सेंसेक्स तो निफ्टी के साथ चला गया ऊपर, लेकिन बैंक निफ्टी सेंसेक्स के साथ निफ्टी के साथ ऊपर नहीं गई है। और यहाँ पे देखें कि अब मैंने आपको निफ्टी का चार्ट दिखाया था कि निफ्टी में 3 दिन की ये तीन रेड कलर की जो कैंडल दिख रही है ना, इन 3 दिन की जो कैंडल्स हैं इनको ये आज एक ही दिन की जो कैंडल्स है इसने पूरा ढक दिया, यानी कि यहाँ पे आ गई थी निफ्टी की कैंडल। यहाँ पे अगर अपन देखें तो आज यानी कि जो बैंक निफ्टी है ये कैंडल दिख रही है, ये ग्रीन कैंडल ये एक इस कैंडल को यहाँ पे होना चाहिए थी, इतनी बड़ी कैंडल होनी चाहिए थी आज आपको 27,800 के ऊपर ये कैंडल अभी क्लोजिंग होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे कहना एक तरह की चीटिंग कर दी यहाँ पे, मैं यहाँ पे चीटिंग मानूंगा, बैंक निफ्टी यहाँ पे चीटिंग की है क्योंकि ये आज मार्केट के साथ नहीं चला बैंक निफ्टी। हालांकि 27,400 की क्लोजिंग दी, अपना फर्स्ट टारगेट मिल रहा अपन को, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक तरह की चीटिंग की है क्योंकि ये कैंडल यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, अगर आपके आपको यकीन नहीं हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सेंसेक्स और बैंक निफ्टी और निफ्टी की चाल एक साथ रहती है। आज यहाँ पे देख ली, यहाँ पे देखिए सेंसेक्स में जैसे 3 दिन के जो कैंडल्स है उसके अनुसार बैंक निफ्टी की कैंडल्स हैं। ये देखिए 3 दिन की जो कैंडल्स है और इसके तीनों दिनों को कैंडल्स का जवाब एक कैंडल दे दिया, और इसके तीनों दिनों की जो गिरावट है उसके ऊपर आज ये आके क्लोजिंग दी, कितनी बड़ी कैंडल्स आज यहाँ पर बनी है, यानी कि यह तीनों दिनों की जो कैंडल्स गिरावट है ना उसके ऊपर आके क्लोजिंग दिया है। यही हाल यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी में दिखाऊँगा आपको, तो ये निफ्टी में आपको दिखा देता हूँ। तो यानी कि आज के ना थोड़ा बैंक निफ्टी ने थोड़ा निराश किया है, हालांकि अपन को फर्स्ट टारगेट जो मिला है, लेकिन यहाँ पे आज आपको 27,800 और 900 के लेवल्स बैंक निफ्टी दिखा सकता था, जो यहाँ पे आज ये इसने चेटिंग किया चुक गया। यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए आज इसमें वही आई है, देखो गिरावट के बाद में ये मार्केट चढ़ा और इसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। तो यह आज जो निफ्टी है वो बैंक निफ्टी है, इसने यहाँ पे चीटिंग किया है और बैंक निफ्टी में यानी कि ज़्यादा इसमें कोई खास मोमेंट देखने को नहीं मिला। जिस प्रकार निफ्टी और सेंसेक्स चढ़ा तो यहाँ पे मुझे बैंक निफ्टी यहाँ पे ये चढ़ता हुआ नजर आना चाहिए था, ये पे ये दिख रहा हूँ ये गिरावट, और इस प्रकार ये इन कैंडल्स का जवाब यहाँ पे दिया, तो यानी कि ये सारी कैंडल आज ढक जाती है इसमें और यहाँ पे इतनी बड़ी ये कैंडल यहाँ बनती है यहाँ पे आज की क्लोजिंग आती है, यानी कि 27,800 के प्रेस की आज क्लोजिंग आती है। ये आज इसमें ऐसा होना चाहिए था, होता वास्तव में ऐसा ही, लेकिन आज इसने बैंक निफ्टी सेटिंग की है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान रखना, बैंक निफ्टी डायरेक्ट आपको 27,700 के टारगेट यहाँ पे दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है, जो कि मुझे 90% की यहाँ पे संभावना लग रही है। ध्यान रखिए, 90% संभावना लग रही है, क्योंकि 27,000 इसने 27,400 की क्लोजिंग दी है, 27,400 की क्लोजिंग दी है आज है, तो ये सब कहेंगे बेहतर क्लोजिंग है। तो बैंक निफ्टी अब आपको 27,700 के टारगेट दिखा सकता है, उसके बाद में 27,754 को जैसे ब्रेक करेगा बैंक निफ्टी तो आपको डायरेक्ट ये 27,850 के टारगेट दिखाकर और 28,000 प्लस के भी आपको बैंक निफ्टी टारगेट दिखा सकता है। ध्यान रखना, ये 31 जनवरी के तक ये आपको 28,000 प्लस के भी बैंक निफ्टी टारगेट ये दिखा सकता है, ये संभावना मुझे लग रही है यहाँ पे कि ये आपको टारगेट दिखा सकता है।
चलिए दोस्तों, ये आज मेरा ऑब्जर्वेशन था। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे आज को ज़्यादा मोमेंट नहीं मिला, हालांकि आपको यहाँ फर्स्ट टारगेट यहाँ पे मिला है, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की होगी, और नहीं की तो यहाँ पे कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। आपको 27,700 की बैंक निफ्टी टारगेट यहाँ पे 90% चांस लग रहा है कि दिखा सकता है। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ, ऐसे ऐसे कोई कॉन्सेप्ट के साथ। जब तक मैं कोई कॉन्सेप्ट तैयार करता हूँ किसी स्टॉक्स के बारे में, और आपको लिए लेकर आता हूँ लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ लाइक ऐसे शेयर करके लाइक कीजिएगा, और फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।